नारायण सिंगल, जय नारायण सिंगल। सिंगल जी, आज इतना बड़ा प्रोग्राम मनाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारा गरीब समाज है, जो गरीब तबका है, उस सबको उनका हक अधिकार दिलाना, न्याय दिलाना और संविधान का जो प्रारूप तैयार है उसको ध्वस्त नहीं होने देना है। और इन लोगों की आज जो है मनुवादियों की साजिश चल रही है कि बाबा साहब के संविधान को रद्द किया जाए और आज से 2500 साल पहले का जो व्यवस्था थी उसको लागू किया जाए, उसके विरोध में हम बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस के ऊपर हम चाहते हैं कि हमारा समाज जागृत होकर के अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़े और अपना हक ले। ये इन चीजों के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं। क्या क्या हक है आपके जो आप लेना चाहते हो? हमारे हक हैं जो हमारी जनसंख्या है उसके आधार पर हर एक जगह नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में हमारी वो भागीदारी होनी चाहिए। हमारे को जो सुविधाएं अन्न धन की है, योजनाएं हैं, उसके तहत हमारे को वो पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे मकान नहीं है हमारे लोगों के पास, खाने के लिए अन्न नहीं है, धन नहीं है, तो वो सब सुविधाएं समतामूलक समाज का गठन करके हमारी को सब सुविधाएं मिलनी चाहिए।